बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश की रेसिपी देने वाली हूँ। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। मुझे इसके लिए घी चाहिए, आधा कप मैंने घी लिया है, 1 कप मैदा लिया है और 3/4 कप शुगर है। वैसे मैदा और शुगर एक ही क्वांटिटी में यूज़ होती है तो, पर मैंने थोड़ा कम लिया है, 3/4 कप लिया है। आप चाहें तो 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं, मीठा अपने हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, यहाँ पे मैं एक पैन ले लूँगी। ये घी है, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये आधा कप घी है, इसको थोड़ा गरम कर लेंगे। ये गरम हो चुका है हमारा ऑयल या घी। हाँ, अब इसमें हम मैदा ऐड कर देंगे। 1 कप मैदा है हमारे पास और इसको हम इस तरह चलाएंगे। ताकि ये मैदा जो है सारा ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाए। इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है पर ये बनता बहुत टेस्टी है। थोड़ी मेहनत होती है इसमें, यह है कि ये विदाउट मिल्क, विदाउट पाउडर मिल्क, ये बहुत अच्छा स्वीट डिश हमारा रेडी होता है। आप ट्राई कीजिएगा। इसकी ये देखें, ये थिकनेस हो जाएगी थोड़ी देर में। पर यह है कि हमने इसको स्लो फ्लेम पे इसको भूनते जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको भूनने में। ये भूनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं लो फ्लेम पे पका रही हूँ और ये देखें, ये थोड़ा सा स्मूथ होता जा रहा है। बस आपने परेशान नहीं होना और इसको बस हल्की आंच पे भूनते जाना है। देखें मेरे से ये थोड़ा सा स्मूथनेस आती जा रही है इसमें। और ये देखें, थोड़ा सा ऑयल अपना रिलीज कर दिया इसने और खुशबू भी बहुत अच्छी आती जा रही है। बस अब इसको हम 3-4 मिनट और भूनेंगे, उसके बाद बस फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सब ये तकरीबन हमारा भुन चुका है। अब मैं ये देखिए, मैं इसको तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। बहुत ही मेहनत तलब काम है और ये है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनता बहुत टेस्टी है। मैं वैसे आपको इजी रेसिपी सिखाना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी सी मुश्किल है पर यह है कि अच्छा स्वीट डिश रेडी हो जाता है हमारा। ये देखें, बस ये हमारा भुन चुका है काफ़ी अच्छा। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और अब इसमें थोड़ा सा को ठंडा करने के बाद ये पाउडर शुगर ऐड करूँगी इसमें मैं। हमारा ठंडा हो चुका है, इसमें मैं ये पाउडर शुगर ऐड कर दूँगी सारी और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है ये अच्छा सा
हर जगह पे हमारी शुगर मिक्स हो जाए। चलिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ जी व्यूअर्स। इसको अब मैं सब निकाल लूँगी। ये अच्छा सा हमारा रेडी हो चुका है मिक्सचर। मुझे होती हैं तो मैं इसे बहुत अच्छे से हाथ से इसको गूंद लूँगी और फिर इसको सेट कर। ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर रेडी हो रहा है हमारा। बहुत अच्छा टेक्सचर हमारा रेडी हो चुका है इसका। ये देखें मैं इसको हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसको मैं शेप दे लूँगी। शेप आप कोई भी सेट कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। मैंने ये शेप रखा है जो स्क्वायर शेप में अच्छा लगता है। ये तो ये देखें अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए मेरे इसका कितना अच्छा लुक आया है। अब इसको हम थोड़ा ड्राई होने के लिए रखेंगे। ये देखिए मेरे ये कितनी खूबसूरत रेडी हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनती है। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है ये और यकीनन आपके बच्चों को आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छी लगेगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा। बहुत ही मज़े की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।